यहाँ महाराष्ट्र पुलिस की मैं तारीफ करूंगा, और इसलिए तारीफ करूंगा कि गढ़चिरौली में हमारे जवानों ने माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 26 माओवादी को मार दिया है। इनमें 20 पुरुष और 6 महिलाएं। इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े, जिस पर 50 लाख का इनाम था, मिलिंद तेलतुंबड़े भी शामिल है। और आपको और आश्चर्य होगा कि इस मिलिंद तेलतुंबड़े को का जो भाई है आनंद तेलतुंबड़े, उसको आपने भीमा कोरेगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में आपने उसके नाम पढ़े होंगे, उसको गिरफ्तार किया गया था। जिस वक्त उसे बचाने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक, एनडीटीवी से लेकर बीबीसी तक कूद गए थे, आज आपको पता चल गया कि वो आनंद तेलतुंबड़े, उसका पूरा परिवार माओवादी है और उसका भाई मिलिंद तेलतुंबड़े उस गढ़चिरौली और ऑपरेशन में मारा गया है। इससे एक बात साबित होती है कि भारत की सरकार ने, एनआईए ने, जो माओइस्टों के खिलाफ भीमा कोड़े गांव में जो कार्रवाई की है वो सटीक है, वो कहीं से भी झुठलाने लायक नहीं है। इसके लिए वाशिंगटन पोस्ट से लेकर बीबीसी ने जितने झूठ फैलाए, कभी बरवरा राव को लेकर, कभी स्टेन स्वामी को लेकर, सारे ये नक्सली आतंकवादी माओवादी हैं। और ये बात आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए कि भीमा कोरे गांव के अमुक अभियुक्त का भाई भी माओवादी था जो मारा गया, जिस पर 50 लाख का इनाम था। और इसका जो भाई था आनंद तेलतुंबड़े, उसको पुणे पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट पर भागने के समय में या जाने के समय में 2019 में गिरफ्तार किया था। फरवरी का दिन था, फरवरी का महीना था वो, और उसमें उसके खिलाफ अदालत को इतनी सबूत दी गई थी कि उसको जमानत देने से अदालत ने मना कर दिया था। और तब एडिशनल सेशन जज किशोर वडाने ने कहा था, मेरे विचार से जांच अधिकारी द्वारा अपराध के कथित मामले में वर्तमान अभियुक्त की संलिप्तता दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपस्थित है, इसलिए वर्तमान आरोपी के संबंध में जांच बहुत महत्वपूर्ण चरण में, जमानत नहीं दे सकते। आज साबित हुआ कि उसको बचाने के लिए जो पूरा आपने वितंडा देखा, प्रशांत भूषण, वो हर्ष मंदर, दुनिया भर के मीडिया, आज साबित हो रहा है कि ये एक भाई यानी लाल धड़ा, एक धड़ा मीडिया एकेडमिया शहर में बैठकर आतंकवाद करता है, दूसरा धड़ा जंगल में जाकर आतंकवाद करता है। हरे टिड्डो क्यों की तरह ये लाल भी आतंकवादी है, ये लाल की देवी आतंकवादी है ये जो है। और इस पूरे मामले में आपको अगर ध्यान हो, क्योंकि इंडिया स्पीक्स डेली ने आपको लगातार भीमा कोरेगांव के बारे में बताया था, और उस भीमा कोरेगांव की पूरे घटना जिसमें सारे वामपंथ, सारे कम्युनिस्ट माओवादी थे, इन सब पर आरोप थे कि इन लोगों ने बिल्कुल राजीव गांधी को जिस तरह से मारा गया प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, उसी स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी। और इस मामले में आपको बीबीसी की एक रिपोर्ट में दिखाना ही चाहूंगा ताकि आप देखें कि इनको बचाने के लिए तब कितने जतन किए गए थे। आज आपको लगेगा कि इनके दोगले चेहरे कैसे सामने आए हैं, तो मैं आपको एक सबूत दिखाता हूं। तो आप देखेंगे कि उस समय की मीडिया आतंकवादियों के पक्ष में ही मीडिया खड़ी होती है, और हम और आप बेकसूर हिंदुओं के पक्ष में भी नहीं खड़ा होते। भाजपा वालों सीख लो, प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार सीखिए कि आप बंगाल में पीड़ित के साथ नहीं खड़ा हुए। देखिए भीमा कोड़े गांव मामले में सबूत प्लांट किए जाने का वाशिंगटन पोस्ट का दावा, ध्यान दीजिए, लिख कौन रहा है? बीबीसी, और लिख कौन रहा है? वाशिंगटन पोस्ट। और आज ये साबित हो रहा है कि ये लोग आतंकी हैं, उसमें एक मारा गया है आज आनंद जो है वो तुंबड़े। तो बात यह है कि आप लोगों को इसमें जो मिलिंद तेलतुंबड़े मारा गया है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि किस तरह से इन लोगों ने बचाने का खेल रचा था, और वो खेल आज ऑपरेशन के जरिए साबित हुआ कि ये पूरा जो है वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिका की साइबर फोरेंसिक लैब, आपको ऐसे प्राइवेट लैब्स का भी मदद लेंगे ये,
और इस तरह से रिपोर्ट की जाती है। ये खबर आज आप फरवरी 2021 की खबर है, ये ध्यान दीजिए। और आज के दो दिन के पुराने ऑपरेशन देखिए अपने, जो खासकर गढ़चिरौली में मारा गया है मिलिंद तेलतुंबड़े, उसका भी मैं आपको दिखाई दूं। तो आप कहोगे जी मारा गया तो इसका क्या सबूत है आपके पास, हिंदू तो सबसे पहले सबूत मांगता है जी। तो आपके पास सबूत क्या है संदीप जी? तो मैं आपको डायरेक्ट वर्जन ही दे देता हूं कि सबूत ये रहा, सबूत आप लीजिए, सबूत आप लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे आतंक को भी जस्टिफाई करते हैं। गढ़चिरौली में कल नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में कम से कम 26 नक्सली मारे गए, जिसमें 20 पुरुष 6 महिलाएं। गढ़चिरौली पुलिस ने पुष्टि की कि इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, आतंकवादी के घर से एक आतंकवादी भाई प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहता था, दूसरा आतंकवादी भाई सशस्त्र क्रांति कर रहा था। ये पूरा लाल ऑपरेशन और हरा ऑपरेशन को अगर आपको समझना है तो आपको कहानी कम्युनिस्टों की पूरी मदद करेगा। इसलिए इनके जड़ को समझिए, और फिर नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो जी जो हो रहा है वो हो रहा है।